नुह अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट लेने गए प्रेमी युगल को पुलिस की मौजूदगी में जबरन अपहरण कर ले जाने की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रेमी युगल तो जैसे तैसे अपहरणकर्ताओं से बच गया, लेकिन लड़की को लेकर तकरीबन 20 से 25 लोग 30 सेकंड में ही रफू चक्कर हो गए। इस घटना के बाद खाकी के हाथ पांव फूल गए और जिले के इतिहास में इस तरह सुरक्षा घेरे को तोड़कर पहली बार प्रेमी युगल का अपहरण करने की वारदात घटित हो गई। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं व लड़की को बरामद करने के लिए करीब आधा दर्जन टीमें आनन फानन में गठित की और लड़की की तलाश तेज कर दी, लेकिन समाचार लिखे जाने तक पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। नुह सिटी पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर प्रेमिका के परिजन व रिश्तेदारों के तकरीबन दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक माजिद पुत्र कुर्सीत निवासी बीसरू ने संजीदा नगला कानपुर जिला पलवल से इसी माह की 13 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में शादी रचाई। उसके बाद से प्रेमी युगल दूर दराज इलाके में ही रहा। मंगलवार को प्रेमी जोड़ा नुह कोर्ट में सुरक्षा लेने के लिए पहुंचा। कोर्ट ने प्रेमी युगल को पुलिस की मौजूदगी में कोरोना टेस्ट कराने के लिए भेज दिया। दो कांस्टेबल की मौजूदगी में प्रेमी युगल को नुह सीएससी में कोरोना टेस्ट के लिए लाया गया। कोरोना टेस्ट कराने के बाद दोनों को सिटी थाना नुह ले जाया गया। तकरीबन एक घंटा बाद पुलिस फिर से प्रेमी युगल को कोरोना सैंपल की रिपोर्ट लेने के लिए पहुंची। उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे लड़की पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में महिला सिपाही के अलावा प्रेमी को भी हल्की फुल्की चोटें आईं। सूत्र बता रहे हैं कि हमलावर चार गाड़ी व चार बाइकों पर 20 से 25 की संख्या में सीएससी नुह परिसर में पहुंचे थे और पहुंचते ही गाड़ियों में से उतरकर जब तक पुलिस तथा प्रेमी युगल कुछ समझ पाता तब तक लड़की का जबरन अपहरण कर ले गई। सिटी थाना पुलिस नुह ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों व अपहरण की गई लड़की की तलाश तेज कर दी है। पुलिस का कोई भी अधिकारी इस घटना पर मीडिया के सामने आने से कतरा रहा है। आप देख रहे हैं नुह लियाकत अली की रिपोर्ट।